एक VXI मॉडल है अर्टिगा का। इस गाड़ी में अलॉय व्हील नहीं लग के आते हैं, वुडन डैशबोर्ड नहीं आता है, टच स्क्रीन नहीं आता है, फॉग लाइट नहीं आती है, दोनों सीट के बीच में हाथ रखने के लिए आर्मरेस्ट नहीं आता है। ये चीज़ें हैं जो ZXI इसके 1.5 लाख रुपए ऊंचे मॉडल में आती है, बट ये सारी चीज़ें बहुत ही कम बजट में VXI मॉडल में हमने लगाई है। द 15-inch डायमंड कट अलॉय व्हील जो ZXI का टोटली लुक देता है, जो मारुति का जेन्युइन है, मैग्मा ग्रे कलर की कार पे हमने लगाया हुआ है। दोनों सीट के बीच में हाथ रखने के लिए आर्मरेस्ट जो मारुति का जेन्युइन है, जो टॉप मॉडल में लग के आता है, वो भी हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है। द वुडन इंटीरियर स्टाइलिंग किट टॉप मॉडल में 4 ही पीस लग के आते हैं, अपने मनपसंद शेड के नहीं आते हैं, इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। 10 पीसेस का सेट हमने लगाया है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टोटल 10 पीस हैं गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी के अंदर जो स्क्रीन हमने लगाई है, ZXI में जो स्क्रीन लग के आती है, उसमें YouTube नहीं चलता है, उसमें मैप चलाने के लिए वायर लगानी पड़ती है। ये जो स्क्रीन है इसका साइज़ डबल है, वो 7-inch आती थी, ये 11-inch है। प्लस इसके अंदर जो ज़ेनॉक्स कंपनी का फ्रंट कैमरा कम डैश कैम हमने इंटीग्रेट किया है, इसका लुक देख सकते हैं, सी द क्लैरिटी ऑफ द फ्रंट कैमरा। दिस कैमरा इज स्पेशल बिकॉज एडास का जो फीचर है इसके अंदर एनेबल्ड आता है। एडास फीचर है जो हमको XUV 700 और हमारी न्यू क्रेटा के टॉप मॉडल जैसी गाड़ियों में मिलता है, ये हमने अर्टिगा के अंदर इंटीग्रेट किया है। गाड़ी आप चला रहे हैं, आप अगर कोई गाड़ी से टच होने वाले हैं तो ये एक सेंसिंग अलार्म आपको देता है। इसका जो फ्रंट कैमरा ज़ेनॉक्स कंपनी का, विच इज़ अडास इंटेलिजेंट ड्राइविंग एनेबल्ड, जिसमें 100 डिग्री का व्यू एंगल है, बिल्ट इन माइक है, अंदर गाड़ी के आपके क्या बातचीत हो रही है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर एक मेमोरी कार्ड स्लॉट में आप डालते हैं तो, एंड फुल HD क्लैरिटी के साथ इसका रेजोल्यूशन। यह कैमरा जो है हमको टॉप मॉडल में भी देखने को नहीं मिलता है, इसका लाइव डेमो भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। इस कैमरे का लाइव डेमो भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक जो गाड़ी मेरी गाड़ी से कितने डिस्टेंस पे है। अगर सेफ डिस्टेंस नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये रेड हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं, हूटिंग अलार्म के साथ है। फ्रंट व्हीकल टू क्लोज डेंजर, एक तरीके से इंटेलिजेंट एडास का जो फीचर इस कैमरे में दिया हुआ है, ये ऑटो ब्रेकिंग तो नहीं करेगा बट ये जो डिस्टेंस है वो आपको ज़रूर बताएगा, प्लस एक एक ऑब्जेक्ट को ज़रूर सेंस कर सकता है। इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं कि ड्राइविंग के टाइम पे किस तरीके से ऑपरेशन हम लोग ने देखा है। इसके वर्किंग ऑपरेशन के साथ साथ इसके अंदर ऑफ 3 टाइप के मैप है। पहला मैप है जो बिना इंटरनेट के चलेगा, ऑफलाइन मैप। दूसरा मैप है गूगल मैप जो आपके रेगुलर फ़ोन में आप यूज़ करते हैं, जिसको हॉटस्पॉट देना पड़ेगा। तीसरा एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू आपके मोबाइल के अंदर का जो मैप है वो इसके अंदर डिस्प्ले करेगा। द स्क्रीन साइज़, द 4K वीडियो क्लैरिटी, ये सारे गाने इसके अंदर इंटीग्रेटेड आते हैं, इनकी क्लैरिटी देख सकते हैं। द 4K वीडियो क्लैरिटी डिस्प्ले इज़ देयर, सी द क्लैरिटी दोस्तों जो उसके अंदर हमको मिलती है आप लोगों के सामने। ये गाड़ी का जो कंप्लीट इंटीरियर है हमने डार्क ब्राउन यानी कि वॉलनट कलर में किया है। द टॉप गियर ब्रांड सीट कवर्स आर इन द वॉलनट कलर विथ अ वाइट, ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। पीछे का जो इसका हिस्सा है वो ब्लैक है, आर्मरेस्ट के ऊपर ब्लैक कलर का लेदर टच हमने दिया है। चारों दरवाज़ों में सॉफ्ट टच हमने दिया है विथ वॉलनट एंड वाइट स्टिच। द कम्प्लीट डैशबोर्ड हैज़ बीन लेदर रैप्ड इन द ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट स्टिच। स्टेयरिंग ऑफ द कार हैज़ बीन लेदर रैप्ड इन द ब्राउन एंड वाइट डुअल टोन, ब्राउन एंड वाइट इन द एयर बैग। इसके गेयर नॉब को भी हमने लेदर रैप किया है। स्टेयरिंग अगर आप रैप करते हैं तो एयर बैग की रैपिंग मेरी तरफ से है, डैशबोर्ड के साथ गेयर नॉब की रैपिंग मेरी तरफ से है, सीट कवर के साथ आर्मरेस्ट की लेदर रैपिंग मेरी तरफ से है। फ्लोर मैट भी जो हमने नीचे की लगाई है वो भी टॉप गियर ब्रांड की है, जो सेम सीट का कलर है। पाँव इस पर रखा, कचरा वगैरह जो भी जमा होता है द अपर लेयर इज रिमूवेबल। अब चाहे ये डैशबोर्ड हो, ये स्टेयरिंग का कवर हो, ये सीट कवर हो, ये
एयर बैग का लेदर हो, ये गियर का लेदर हो, ये स्क्रीन हो, ये टॉप मॉडल में भी आपको नहीं देखने को मिलता है। ये पूरे सेटअप को एक एम्बियंट लाइट के साथ हमने हाईलाइट किया है, विच इज़ अ फाइन लाइटिंग ऑन द डैशबोर्ड एंड फोर डोर्स। इसका गेटअप आप लोग देख सकते हैं, पीछे के रो की फिटमेंट्स देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मिडल रो है हमने फिट किया है। एक एक हेड रेस्ट, एक एक आर्म रेस्ट की फिटमेंट्स आप लोगों के सामने हैं। पीछे की इन्फिनिटी टेल लाइट हमने लगाई है इन ऑल द 9 पार्ट्स। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 लाइट नीचे की तरफ, 9 की 9 लाइट जब चालू होती है तो एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के साथ ऑन होती है। इसका स्कैनिंग एंड वेलकम पैटर्न भी आप लोग देख सकते हैं। पीछे का बम्पर हमने लगाया है, द स्पोर्टी लुक टू द कार, द 2 एग्जॉस्ट डिफ्यूज़र। जो स्पॉइलर है वो मेड इन इंडोनेशिया का है, द XL7 स्पॉइलर बट इन द कार कलर मैग्मा ग्रे। रूफ रेल्स हमने लगाई है जो एक XL6 गाड़ी में हम देखते हैं, ये अर्टिगा में इंटीग्रेट की है। बट द टोटली हाईलाइटर ऑफ द एक्सटीरियर पार्ट इज़ द फुल क्रोम डोर वाइज़र, जो लेफ्ट से चालू होते हुए राइट एक्सट्रीम कॉर्नर तक शार्प कट्स के साथ आते हैं और ग्रे कलर की कार पे अल्टीमेट दिखते हैं। क्रोमिंग का वर्क थोड़ा सा विंडो पे किया है, हैंडल पे किया है जैसा ZXI में आता है। साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग है जो दरवाजे पे स्क्रैच नहीं आते हैं। हेड लाइट के अंदर DRLs हमने इंटीग्रेट की है जो ऑन होने पे एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के साथ ऑन होती है। फॉग लाइट के अक्रॉस वी शेप DRL हमने लगाई है। फॉग लाइट्स भी ये गाड़ी में नहीं आती थी तो LED फॉग लाइट्स इसके अंदर हमने इंटीग्रेट किए हैं। कोई बल्ब वगैरह इसके अंदर हमको नहीं देखने को मिलता है। जो प्रोजेक्टर है उसको रिंग से हमने सराउंड किया है, रिंग का कलर वाइट है। एंड हेडलाइट के जो बल्ब हैं वो भी टॉप मॉडल में पीले आते हैं। अपर एंड डिपर चारों बल्ब हमने वाइट LED में अपग्रेड किए। किस तरीके से ये गाड़ी को एक नेसेसरी अपग्रेडेशन के साथ हमने मॉडिफाई किया है, अपग्रेड किया है। इसका बैक लुक स्पोर्टी है, इसका फ्रंट लुक स्पोर्टी है, इसका इंटीरियर एक डिसेंट लुक में है एंड इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी बढ़िया हमने इंटीग्रेट किया है। द VXI to ZXI अपग्रेडेशन ऑफ अर्टिगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सर से भी। ये VXI मॉडल है अर्टिगा का, बट ZXI के जो मैक्सिमम फीचर्स हैं इसको हमने दिए हैं, चाहे इसके एलॉय हो, वुडन पैनल हो, स्क्रीन हो, फॉग लाइट हो, आर्म रेस्ट हो, उल्टा जो स्पॉइलर लगाया है, जो टेल लाइट लगाई है, जो DRL लाइट्स लगाई है, जो इंटीरियर किया है, जो एम्बियंट लाइट लगाई है, ये सब चीज़ें आपको टॉप मॉडल में भी नहीं मिलती है। सर हमारे साथ में हैं जिन्होंने हमको एक मौका दिया कि रोहित जी ये आपकी गाड़ी है, इसको आप बनाइए आपके हिसाब से। एक ही चीज़ मेरे को बोली सुबह, सर सुबह कैसी गाड़ी आई थी अपनी और अभी कैसी हो गई? सर सुबह ओनली मैंने शोरूम से ली थी, वैसी गाड़ी आई थी। यहाँ आने के बाद मेरा इच्छा था कहीं दिल से कि जब गाड़ी बुक करूँ तो आपके पास ही लेके आओ, इसलिए मैं आपके पास लेके आया। गाड़ी बहुत अच्छा बना है, दिल से अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। ग्राउंड इंटीरियर का सजेशन बहुत अच्छा बना, कलर मैच करके दिया है डोर्स के लिए, स्टेयरिंग वहाँ पर सीट कवर बहुत अच्छा मैच करके दिया है आपने, और अच्छा सजेशन भी दिया आपने हमें कि इस तरीके से लगाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर है सर। यस। बच्चों को कैसी लग रही है गाड़ी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी दिख रही है। देखते नहीं वीडियोस वगैरह? देखते बहुत, तभी तो गाड़ी यहाँ ले आए। आपसे ज्यादा इन्होंने देखे हुए हैं, उसकी इच्छा थी यहाँ आने की। बराबर है, बहुत अच्छी। मैडम काय बोलना, कशी वाटली? मस्त है, एकदम छान वाटली, सुंदर। मतलब कसं झालं? खूप सुंदर, छान आहे। बेटा क्या बोलेंगे, कैसी हो गई? अच्छी लगी मेरे को भी गाड़ी। इंटीरियर वगैरह कैसा लगा? अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह एकदम मस्त। हम सभी को एंड अर्टिगा आप VXI लीजिए, उसको हम ZXI से भी बढ़िया बना सकते हैं। सिंपल से स्टोरी का मॉरल है। वीडियो वगैरह जो देख रहे हैं उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।